हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वाह भाई वाह, मुझे मालूम नहीं था कि इस होटल का खाना इतना अच्छा है। हाँ यार, मैं भी यहाँ पहली बार आया। वैसे ये जो मटर पनीर है ना, अमेजिंग है, कमाल है। श्रेया, आपका ये आइडिया है ना ये? यस सर। अगर ऐसे आइडिया बार बार आते रहे तो और भी अच्छा। तुम तो कुछ ले नहीं रहे, डाइटिंग पे हो गया? अरे नहीं नहीं नहीं, डाइट पे ना, आज मुझे वाइफ ने इतने आलू के पराठे खिला दिए कि टंकी फूल हो गई, मेरी पेट में जगह ही नहीं है। अरे हाँ, आलू के पराठे से मुझे याद आया कि पिछले संडे आलू के पराठे बड़े प्यार से खिलाए गए थे अभिजीत को। अच्छा, किसने खिलाया सर? अरे यार वो छोड़ो यार आलू के पराठे, सर अभिजीत सर की स्माइल देख के ऐसा लगता है कि वो पराठे जरूर डॉक्टर तारिका ने खिलाए हो। अच्छा, अभी अभी सीआईडी में आया है और सीआईडी की सीआईडी करने लगा है? सर सीख रहा हूँ सर। ये फोरेंसिक में बने पराठे की बातें छोड़ो, कुछ गेम में खेलते हैं। सर अंताक्षरी खेले? अरे नहीं यार अंताक्षरी, हम लोग अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू करेंगे तो ये होटल के जितने भी गेस्ट हैं सब भाग जाएंगे यार। ये तो है। सर कॉपीकैट खेले? कॉपीकैट, ये कौन सा गेम है? सर ये बहुत ही मजेदार गेम है, इसे नकलची बंदर भी कहते हैं। इस गेम में हर आदमी एक दूसरे की नकल करके दिखाएगा। नकलची बंदर, फिर तो इस गेम में फर्स्ट प्राइज मुझे ही मिलेगा। अच्छा तो ठीक है, पहले कौन शुरू करेगा? सर मैं शुरू करूं? हाँ क्यों? अच्छा, और किसकी नकल करेंगे आप? अब सब मुझे कहते ही हैं कि मेरी शक्ल अभिजीत सर से मिलती है तो। अच्छा, पहले मेरी ही पर्ची निकाल रहे हो हैं? थोड़ा संभाल के रजत। अच्छा, अब निखिल है डॉक्टर तारिका और विनीत है डॉक्टर साड़ुंखे। साड़ुंखे साहब, देखा आपने हैं? मैं तो पहले से ही कहता था कि तारिका जी आपसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड, कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट और कहीं ज्यादा खूबसूरत है। माय गॉड, सीआईडी में क्या कर रहे हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, निखिल तुम्हारी बात। मैं तो सिर्फ दया सर की कॉपी कर सकता हूँ क्योंकि यही मेरे सबसे बड़े हीरो हैं। चलो बेटा, तू भी नकल कर ले मेरी। कर ले नकल। ये हाथ देखा है? जब किसी मुजरिम पे पड़ता है तो उसके मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। क्या बजने लगता है? पियानो। अब मेरी बारी है, मैं एसीपी की नकल करूंगा। एक बात समझ में नहीं आ रही है दया, सिमरन अगर राहुल की बहन थी तो राहुल सिमरन का भाई क्यों नहीं था? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अभिजीत, इस कालिया का पता लगाओ, कुंडली निकालो, इसकी कुंडली निकालो। क्या हुआ, क्या क्या हो गया? सबको सांप सूंघ गया क्या? ऐसा लग रहा है जैसे एसीपी साहब आ गए। सॉरी सर, लानत है तुम पर, नाक कटवा दी तुमने, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी प्रणय। सॉरी 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 क्या, आजकल कोई भी ऐरा गहरा एसीपी की नकल करने देखता है, लेकिन तुम्हें तो अच्छी तरह से आना चाहिए था। खैर, ट्राई करने के लिए तुम्हें फर्स्ट प्राइज दिया जाता है। सर अच्छा हुआ आप आए। आप ये चाहता तो मैं भी था तुम सभी लोगों के साथ खाना खा लूं, लेकिन चित्रोले साहब के साथ थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी। सर कुछ डेजर्ट खा लीजिए। नहीं दया, नो डेजर्ट, फिटनेस। चलो खाना नहीं, सोचा तुम सभी लोगों से मिलकर तो जाओ। सर हम लोगों का भी हो गया, साथ ही चलते हैं। आपका डेजर्ट? अरे नहीं नहीं, इन दोनों का होने दो, साथ में निकलते हैं। सर मैं श्रेया के साथ आ जाऊंगी, आप लोग चलिए। श्योर। अरे सुनो,
बिल दे देना। अभिजीत, बिल मैंने दे दिया। सर, आपने बिल दे दिया? अरे तुम लोगों के लिए नहीं तो फिर और किसके लिए करूंगा मैं? थैंक यू, थैंक यू। चित्रोले साहब क्या कह रहे थे? कितना मजा है ना, वरना हम लोग हर वक्त खून और लाशों के बीच ऐसे घिरे रहते हैं कि ऐसे पलों को जीना भूल ही जाते हैं। अच्छा पूर्वी, एक बात बताओ, जो सब लोग अभिजीत सर और डॉक्टर तारिका के बारे में बात कर रहे थे, क्या वो सच है? क्यों, कहीं तुम अभिजीत सर में इंटरेस्टेड तो नहीं? पूर्वी प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ पूछ रही थी। श्रेया, मैं मजाक कर रही थी। चलो चलते। ये क्या है किशोर? किशोर वही वेटर है जिसने मुझे आइसक्रीम दी। पूर्वी क्या बात है किशोर? मैम आप लोग सीढ़ी से है ना, मैम आप लोग से बहुत जरूरी काम है, आप लोग प्लीज मुझे मुझे 15 मिनट बाद होटल के पीछे मिलना प्लीज मैम। अरे पर बात क्या है? मैम मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, मैं आपसे मिलता हूँ बाद में। श्रेया हम यही इंतजार करें? जरूर किशोर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में होगा, इसलिए उसने हमसे लिखकर मदद मांगी। तुम किशोर को कब से जानती हो? कॉलेज टाइम से, अपने फ्रेंड्स के साथ अक्सर यहाँ आया करती थी। अब तक तो आ जाना चाहिए था ना उसे? शायद आने वाला हो। पूर्वी कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को पता चल गया हो कि उसने हमसे मदद मांगी है? एक काम करते हैं श्रेया, तुम उस तरफ देखो, मैं वहां देखती हूँ। किशोर है? जिंदा है? किशोर, किशोर, पूर्वी कहाँ चली गई? कोई फोन नहीं उठाएगा, चलिए लाइन में लगी। ये क्या हो रहा है? What is happening? क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ क्या जुल्म हुआ है? आपकी तारीफ? मैं इस होटल का मालिक हूँ, रॉनी। ओ, आपके होटल का एक वेटर किशोर, जिसने कल हमारे दो ऑफिसर से मदद मांगी थी, यहाँ से गायब है। किशोर गायब है? सिर्फ किशोर ही नहीं, हमारी एक ऑफिसर पूर्वी, वो भी गायब है। तो इसलिए आप मेरा होटल क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि वो दोनों आपके होटल से गायब हुए हैं, और हमें पूरा यकीन है कि उन दोनों के गायब होने की वजह आपके होटल से ही जुड़ी हुई। ये आप क्या कह रहे हैं? आप इस तरह मेरे होटल को बदनाम नहीं कर सकते। आपकी होटल के नाम से ज्यादा हमें दो जानों की फिक्र है, समझे? सर, सर बिना वजह मुझे बलि का बकरा मत बनाइए सर। बिना वजह नहीं कर रहे हम कुछ भी। आपके होटल के पीछे वाले हिस्से में खून भी गिरा हुआ मिला है। खून?
था खून। और एक बात ध्यान में रखना, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती ये होटल बंद रहेगा। रजत, सील करो होटल को। कल रात किशोर को यहीं पे देखा था? हाँ सर। कितने बजे? सर 11 बजे। किधर के बाद? इतनी रात गए तुम लोग यहाँ पे सुनसान जगह पे क्या कर रहे थे? वो सर एक्चुअली हम लोग सिगरेट पीने आए थे सर। पूरे होटल में एक यही जगह है जहाँ पर लोग चुपचाप सिगरेट पीते हैं। किशोर अकेला था या उसके साथ कोई और भी था? नहीं सर, अकेला था। शायद किसी काम से आया था, मगर हमें देखकर चौंक गया अचानक से। चौंक गया? हाँ सर, हड़बड़ा के इधर उधर की बातें करने लगा। कैसी बातें? यही सर कि गर्मी बहुत पड़ रही है, अगर बारिश नहीं हुई तो पानी की बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि हमारा ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा है सर। फिर हम अंदर चले गए सर। अच्छा, ये किशोर भी तुम लोगों के साथ अंदर गया? नहीं सर, वो इधर ही रुका था और उसके बाद हमने उसे देखा नहीं। अगर ये किशोर वाकई किसी मुसीबत में था तो वो उसके घर वालों से ही पता चल सकता है। आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा काम? सर मेरा बेटा तो बड़ा सीधा बच्चा है, उसकी किसी से क्या दुश्मनी होगी? किशोर, किशोर! अरे सावित्री जी, आप यहाँ? अनुषा यहाँ आई है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? वो कल से घर नहीं लौटी। क्या? अनुषा? अनुषा किशोर की गलती है। ये अनुषा के माँ बाप है। ये लोग CID से है। CID? प्लीज प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, हमारी बेटी कल से घर नहीं लौटी। आप ये बताइए कि अनुषा गायब कहाँ से हुई? जी वो होटल सन एंड रेस गई थी रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के लिए, उसी के बाद घर नहीं लौटी। ये तो वही होटल है ना जहाँ पे किशोर काम कर रहा था? लेकिन किशोर ने तो मना किया था ना अनुषा को उस होटल में काम करने के लिए, फिर क्यों गई वो वहाँ पे? जी अनुषा बहुत जिद्दी है, वो किशोर को ये दिखाना चाहती थी कि वो भी होटल में नौकरी कर सकती है। ये भी तो हो सकता है कि काम ना मिलने की वजह से वो परेशान हो और किसी सहेली के यहाँ चली गई। नौकरी तो उसे मिली गई थी, फिर वो क्यों परेशान हो? नौकरी मिल गई थी उसे? सर मैंने खुद उसे रिजेक्ट किया है, ये देखिए उसका बायोडाटा फॉर्म जिसमें मैंने रिजेक्ट का स्टैंप लगाया है। ना बड़ी अजीब बात, एक लड़की आपके होटल में रिसेप्शनिस्ट का इंटरव्यू देने आती है, आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये लड़की अपने घर वालों से कहती है कि उसे नौकरी मिल गई और फिर घर पहुंचती ही नहीं। क्यों झूठ बोला अनुषा ने अपने घर वालों के साथ? हो सकता है कि वो डर गई हो, कहीं नौकरी ना मिलने की खबर सुनकर उसके घर वाले अपसेट हो जाएं। बात इतनी सीधी नहीं है मिस्टर हरीश, आपके होटल में काम करने वाला वेटर किशोर जो गायब है, अनुषा उसकी गर्लफ्रेंड थी। व्हाट? अनुषा किशोर की गर्लफ्रेंड थी? सर मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी। चलो अनुषा का होटल के अंदर आना और बाहर जाना तो सारा तो आपके पास फुटेज होगा ही CCTV पर। हाँ, हमें वो फुटेज देखना है। ये देखिए सर, 11:15 बजे अनुषा होटल के अंदर घुसी है। ये तो दिख रहा है फ्रेडी, हमें चेक ये करना है कि अनुषा होटल से बाहर निकली भी है कि नहीं। पौने 12 बजे होटल से निकली है अनुषा। अनुषा रो रही है, मतलब इसका सिलेक्शन हुआ नहीं इंटरव्यू। मैनेजर बिल्कुल ठीक कह रहा था, लेकिन अगर ये होटल से निकली तो फिर गायब कहाँ हो गए? और पूर्वी और किशोर ये कहाँ गए? हेलो, हाँ सारू के साथ, वो खून के बारे में पता चल गया? Are you sure? Okay. ओके सर, थैंक यू वेरी मच। होटल से जो खून मिला था वो किसी आदमी का है। कहीं वो खून किशोर का तो नहीं? हो सकता है, किशोर को होटल के किसी एम्प्लॉय से खतरा था, तभी तो उसने वो मैसेज चुपके से श्रेया को दिया था। पर सर अनुषा के गायब होने से तो ये गुत्थी और भी उलझ गई है। समझ में नहीं आता कि अनुषा ने घर वालों से झूठ क्यों बोला कि उसे नौकरी मिल गई। हमें इस होटल का इतिहास निकालना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इस होटल में किसी ने आत्महत्या तो नहीं की है। आत्महत्या? फ्रेडी, इस केस का आत्महत्या से क्या लेने देना? आप नहीं समझोगे सर। हाँ बोलो। मैंने सुना है कि कहीं पे किसी ने आत्महत्या की हो तो क्या? आत्महत्या करने से क्या होता है? आत्महत्या करने से आदमी मर जाता है और
आत्मा आत्मा का नाम अगर एक बार और लिया फ्रेडी ना, तो ये केस अभी के अभी बंद कर दूंगा। अरे केस क्यों बंद करेंगे सर? क्यों, आत्मा को तो हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं। सचिन केस बंद कर दो, होटल वालों को फोन करके बोलो होटल फिर से चालू कर सकते हैं, जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा, समझ गए ना? सर। और एसीपी साहब को बोलो फ्रेडी की वजह से हमने ये केस बंद कर दिया है। अरे सर ये आप क्या कह रहे हैं? हेलो होटल सनन रेस, हाँ आइए आप। क्या बात कर रहे हो, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। चल ठीक है। क्या क्या अच्छी खबर है? तेरी शादी पक्की हो गई क्या? उससे भी अच्छी खबर है। क्या? सीआईडी ने अपनी हार मान ली है और इस केस को बंद कर दिया है। सच? 15 साल में पहली बार सीआईडी की हार हुई है और हमारी जीत। चल अभी बॉस ने बुलाया है। पता नहीं ये रिसेप्शनिस्ट वाले इंटरव्यू कब तक चलेंगे। सीरियसली यार 3 महीने हो गए पर अभी तो कोई लड़की फाइनल ही नहीं हुई है। ये वाली लड़की मुझे ब्राइट लगती है, शायद इसे नौकरी मिल जाए। आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा, प्लीज बैठिए। क्या मैं आपका रिज्यूम देख सकता हूँ? सर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है? सर शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। ओके आपने होटल ब्लू माउंट में 2 साल काम किया है जी, क्या आप बता सकती हैं कि आपने ये जॉब क्यों छोड़ी? क्योंकि आपके होटल का नाम बहुत बड़ा है। सही मिस्प्रिया, आपके जवाब आपका रिज्यूम काफी काफी इंप्रेसिव है। एक्सक्यूज मी। हाँ सर, नो प्रॉब्लम सर, मैं देख लेता हूँ। बाय सर। सर क्या मैं ये नौकरी पक्की समझूं? सॉरी मिस प्रिया, मेरे बॉस का फोन था और वो चाहते हैं कि ये नौकरी उनके दोस्त की भतीजी को दे दी जाए। मुझे नहीं पता था आपके होटल में भी सिफारिश चलती है। I'm sorry, लेकिन इस बारे में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये लड़कियां आती हैं इंटरव्यू देने के लिए होटल में, जाती कहां आज पता चल जाएगा। वैन ना जाके बीच में और हट भी नहीं रही है। मिश्रिया कहाँ गए? मेरे
तेरी वैन दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? ये बग 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 देखो सर, श्रेया का बग होटल की तरफ जा रहा है। फिर से होटल की तरफ? सर यहाँ तो कहीं वैन दिखाई नहीं दे रही। पीछे देखो, पीछे जाओ, पार्किंग चेक करो, निकल। सर क्या बात है सर? अरे सुनो, ग्रे कलर की वैन को अंदर आते देखा है क्या? ग्रे कलर की वैन? हाँ। यहाँ तो कोई वैन नहीं आई सर। क्या बकवास कर रहे हो, हमने खुद देखा है अंदर आते हुए। सर हाँ निकल। सर वहाँ पार्किंग में कोई वैन नहीं है सर। सर इधर भी नहीं है सर। पीछे कोई रास्ता है जहाँ से गाड़ी आ सके? हाँ साहब, इधर से। सर ये नहीं था। ये वैन तो खाली है सर। ये वैन होटल लेके आए हैं, जरूर श्रेया होटल के अंदर होगी। सर मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है सर, कहीं श्रेया के साथ कुछ होना क्या हो? कुछ नहीं होगा, उससे पूछते हैं। अरे सुनो, ये जो वैन खड़ी है इसमें से कौन उतरा? अभी साहब दो आदमी उतरे थे। दो आदमी? कोई लड़की भी थी साथ में? नहीं साहब। अरे सोच के बताओ। साहब मुझे अच्छी तरह याद है, उस वैन में से दो आदमी उतरे, ट्रॉली लेकर सीधे होटल में चले गए। ट्रॉली? कैसे ट्रॉली? अरे साहब वो लॉन्ड्री की जो ट्रॉली होती ना, मैले कपड़े लेकर जाने के लिए, वो ट्रॉली साहब। कहीं श्रेया को उस ट्रॉली में तो नहीं ले गए? ये लॉन्ड्री रूम किधर है? सर सर यहाँ पे तो कोई नहीं है सर। ट्रॉली तो श्रेया का है। श्रेया का इयररिंग? इसका मतलब उसको इस ट्रॉली में लाया गया है। और सर श्रेया गई तो गई कहाँ? यहाँ अर्ज का ढूंढ लिया कहीं है ही नहीं। निकल, अगर वो यहाँ तक आई है तो यहीं कहीं होगी, ढूंढो। इतने सारे गद्दे, खाने की प्लेटें, पानी की बोतलें, इतनी सारी रस्सियां। और ये देखा, सूखा हुआ खून। ऐसा लगता है यहाँ पे लोगों को जबरदस्ती बांध के रखा जाता है। फिर पूर्वी और किशोर को भी यहीं रखा गया होगा। सिर्फ पूर्वी और किशोर ही नहीं, काफी सारे लोगों को बांध के रखा गया था यहाँ पे। सर सबको लाने का शायद तरीका एक ही है, क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश करके वैन में डाल के उस ट्रॉली के जरिए इस रूम में लाके बंद करना। इस मुजरिम के दिमाग में चल क्या रहा है, क्यों कर रहा है वो ऐसा? क्या रोशनी? यहाँ पे निकलता है ये खुफिया रास्ता। पीछे रोड भी है। अरे इलाका तो एकदम से सुनसान, यहाँ से कोई कुछ भी सामान ले जाएगा पता भी नहीं चले। करेक्ट। यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड का है, उठाओ जरा। गेट पे ड्यूटी पे कौन था अभी? नहीं था सर। क्या हुआ क्या सर? कहाँ गए थे तुम? चाय पीने गया था साहब। गेट छोड़ के चाय पी रहे हो? वैसे भी इस गेट पे कोई आता जाता है नहीं साहब, मैनेजर साहब खुलवाते हैं तब खुलता है ये गेट। मैनेजर हरीश? हाँ वही साहब, 15-20 दिन में उनकी गाड़ी आती है उनका कुछ सामान लेने के लिए, तभी खुलता है बस।
आज भी खुला था ये गेट? हाँ, अभी आधे घंटे पहले साहब। उनके साथ दो लोग और थे और उनके हाथ में बड़े बड़े गट्ठर थे साहब। मैनेजर भी गया साथ में? ये तो पता नहीं साहब, मैं चाय पीने चला गया था। मैनेजर हरीश, ढूंढो इसको। सर मुझे वाकई नहीं पता है मैनेजर साहब कहाँ है, अभी थोड़ी देर पहले यहीं पर थे। थोड़ी देर पहले थे तो गए कहाँ? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनका तो फोन भी बंद आ रहा है। हाँ, फोन तो बंद आए गए, ऐसी हालत में मुजरिमों के फोन हमेशा बंद आते हैं। सर भाविनी, कुछ पता चला हरीश का? सर सब जगह देख लिया, लेकिन इस हरीश का कुछ अता पता नहीं है। मैं भी देखता हूँ ये तीतर कहाँ तक उड़ेगा। लेकिन श्रेय का बग चालू हुआ? नहीं सर, भी बंद आ रहा है। क्या बात है सपना, मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया? सर सीआईडी वाले कह रहे हैं कि हरीश सर ही मुजरिम है। हरीश मुजरिम? ये क्या कह रहे हैं आप, हरीश और मुजरिम? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका मैनेजर भोली भाली लड़कियों को यहाँ बुलाता है रिसेप्शनिस्ट की नौकरी देने के लिए, पर इंटरव्यू में रिजेक्ट करके उनको गायब कर देता है। मगर हरीश ऐसा करेगा क्यों? इसी सवाल का जवाब चाहिए हमें। मुझे यकीन नहीं हो रहा हरीश ऐसा कुछ कर सकता है। अच्छा, और आपके होटल में जो खुफिया कमरा है उसके बारे में क्या कहना है आपका? खुफिया कमरा? जी हाँ। मेरे होटल में खुफिया कमरा? जी हाँ, आपके होटल में खुफिया कमरा। वहाँ लॉन्ड्री के अंदर एक कमरा है जिसमें लोगों को बंद करके रखा जाता है। यकीन मानिए सर, इसके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था। आपका मतलब है कि हरीश इस होटल में बड़े बड़े कांड करता रहा और आपको जरा भी अंदाजा नहीं हुआ? मैं तो कभी कभार यहाँ आता हूँ, मैंने इस होटल की सारी जिम्मेदारी हरीश के कंधों पे लाद दी थी। ये हरीश कब से काम कर रहा है आपके यहाँ? यही कुछ 6 महीने से। बस 6 महीने से? और 6 महीने के अंदर आपने पूरी होटल की जिम्मेदारी उसे दे दी और आंख बंद करके बैठ गए? हरीश की होटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, इसलिए 8 साल से वो होटल ग्रेट रोज में काम कर रहा था और उसके बाद हमें ज्वाइन किया। होटल ग्रेट रोज में 8 साल तक था, तो छोड़ा क्यों वहां से? सर हाँ निखिल, सर श्रेया का बग चालू हो गया है। चालू हो गया? हाँ सर। कहाँ पे है इस वक्त? सर इस वक्त उसका बग प्रिंस रोड पे है। प्रिंस रोड तो बहुत सुनसान जगह है, जंगल से होकर गुजरती है। सर वहां पहुंचने में तो 1 घंटा लग जाएगा, कहीं देर ना हो जाए। जाएगा कहाँ? हेलो दया, ये बग क्या कह रहा था? कितनी दूर है? सर यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। 25 किलोमीटर दूर, मतलब इस रास्ते पे करीब 1 घंटे। क्या बग एक जगह पे रुका हुआ है? नहीं सर, ये लगातार चलता ही चला जा रहा है। इसका मतलब श्रेया किसी गाड़ी में है। तुझे कि इन लोगों को ज्यादा ड्रग्स दे दे। बॉस दिया था लेकिन असर कम हो गया। अरे इन लोगों की चीखें किसी ने सुन ली तो लेने के देने पड़ जाएंगे हम लोगों को। नहीं सुनेंगे बॉस, सब बिल्कुल मत बोला समझी। बॉस धीरे धीरे सबको होश आ रहा है, क्या किया जाए? ड्राइवर गाड़ी अंदर लगाओ। तो बाहर निकालो। ठीक बॉस, चलो चलो उठो उठो उठो, चलो 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 सब लोग चलो उधर चलो चलो जल्दी जल्दी चलो 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 जल्दी चलो, सब लाइन में आओ, सब पीछे एक लाइन में, सब एक लाइन में जल्दी चलो 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 लाइन में रुको। सब लाइन में, सब
सीआईडी ऑफिसर हाँ? तुम सीआईडी ऑफिसर श्रेया हो ना? बोलो श्रेया। अब पहचान ही लिया है तो अपने गुनाहों की लिस्ट भी बना ले, क्योंकि सीआईडी ऑफिसर्स किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाले होंगे। चलो यहाँ से मूव। और तुम भी चलो, चलो आगे, चलो चलो चलो। सुन इधर आओ, उड़ा इसको जल्दी। अरे तुम लोगों की लाश भी नहीं ढूंढ पाएंगे सीआईडी वाले, समझी? यही है वजह, मगर यहाँ तो कोई गाड़ी वाड़ी दिख नहीं रही। सर पिछले आधे घंटे से बाघ यही बता रहा है। इस जंगल में यही पे कहीं है सर। ये बाघ यहां कैसे गिरा? सर वो देखिए तो बोरिया। माय गॉड, सर ये श्रेया और पूर्वी, अगर उन्हें कुछ हुआ तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उन मुजरिमों को। जरा खोलो इन्हें। रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाकी लड़कियों की जान बचा लीजिएगा मेरी। बस अरे वहाँ जाके क्या होता, हम दोनों शायद कुछ नहीं कर पाते। आप उन लड़कियों की जान बचा लीजिएगा। पूर्वी और श्रेया तो नहीं? तो फिर ये बग वहाँ कैसे? ये बग तो हमने श्रेया के ऊपर लगाया था। इसका मतलब हमें पता चल गया था कि हम इस बग के जरिए उनका पीछा कर रहे हैं। जरा खोलो इन्हें। ये क्या? इसके हाथ में कुछ लिखा है। SHIP शिप। ये तो कोई और मर गई। मार देता इन लोगों को। रुक 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 रुक। हमने 10 लड़कियों का कॉन्ट्रैक्ट लिया था तो वो ऑलरेडी मर चुकी है। अरे इनको भी मार दिया तो? सर लेकिन ये दोनों सीआईडी वाली है। अरे एक बार इन लोगों को भेज दिया तो क्या सीआईडी और क्या दूसरी लड़कियां? तू एक काम कर, इन दोनों लाशों को ठिकाने पहुंचा। मैं इन सबको लेकर निकलता हूँ। शिप कभी भी आती होगी। कहीं ये लड़की हमें ये तो नहीं बताना चाहती थी कि वो मुजरिम इन्हें शिप में ले जाने वाले। अब समझ में आया ये सारा चक्कर लड़कियों की तस्करी का है। ये लोग इन लड़कियों को शिप में विदेश भेजते हैं। यहाँ आसपास बंदरगाह कहाँ है?
सर श्रेया और पूर्वी के अलावा कितनी लड़कियों की जान दांव पर लगी होगी? जितनी भी होंगी कुछ होने नहीं देंगे उन्हें। सर यहाँ तो आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा है। विश पे तो नहीं? मैं देख के आता। एक मिनट रजत, तुम ये रुको, मैं देखता हूँ। रजत, सचिन, मिल गए। ये कबूतर सब यहीं पर है। कबूतर सब यहीं पर हैं। अब जाल फेंकने का टाइम आ गया है। लगता है किसी शिप का इंतजार कर रहे हैं जो इन्हें यहाँ से लेके जाएगी। उन्हें क्या पता उनकी बारात किसी शिप में नहीं, सीआईडी की डोली में उनके ससुराल जाएगी। रजत, तुम इस मैनेजर हरीश को ढूंढो, तब तक हम इनकी खबर लेते हैं। सर। सचिन, ये लड़कियां बेहोशी की हालत में, इन्हें यहां से उठा के ले जाना पड़ेगा। सर यहां पे भी सभी बेहोश हैं। किशोर, किशोर, माय गॉड, सर किशोर को तो चाकू लगा है, खून बह रहा है। सर अनुष्का, उठो अनुष्का। सचिन जल्दी एम्बुलेंस बुला लो। हाँ सर। सब बेहोश। पूर्वी और श्रेया तो है ही नहीं।
तो इस मैनेजर हरीश ने तो नहीं उन्हें? सर हर जगह देखा सर, मैनेजर का कुछ पता नहीं। मैनेजर ए, रुको वहीं पर। ये गन मेरे हाथ में है और रिमोट भी। अगर ज्यादा होशियारी की तुम सबको यहीं उड़ा दूंगा, समझे तुम लोग? छोड़ दो इन्हें, तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम सीआईडी से बच सकते हो? सीआईडी? तुम स्पाइडरमैन हो क्या जो हर बार बच पाओगे? ये गन नीचे रखो, गन नीचे रखो। मैंने कहा नहीं तो इसका भेजा उड़ा दूंगा अभी। क्यों क्यों करो तुम? पैसों के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसा घिनौना काम करते तुम पैसों के लिए। जब जेब हो गरम तो किस चीज की शर्म। काम कैसा भी हो पैसे मिलने चाहिए। मतलब होटल का काम तुम्हारा सिर्फ दिखावे के लिए था? असली बिजनेस तुम्हारा यही है, लड़कियों का व्यापार करना। लड़कियों को नौकरी देने के बहाने इंटरव्यू के लिए बुला, फिर विदेश भेजने के मकसद से उनको किडनैप कर लेना। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुम, मगर अफसोस इस बार मेरा पत्ता खुल गया। गुनाहों का भांडा कभी ना कभी तो फूटता ही है। तुम लोग मेरे गुनाहों का भांडा कभी फोड़ नहीं पाओगे इंस्पेक्टर, क्योंकि तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। गन नीचे रखो। सुना नहीं तुम लोगों ने? गन नीचे रखो नहीं तो इनको उड़ा दूंगा। इंस्पेक्टर दया, आप अपनी गन नीचे नहीं रखेंगे? नीचे नीचे रखिए। औरतों को कभी कमजोर मत समझना। जिस देश की औरतों को देवी समझकर उनकी पूजा की जाती है, उसी देश की औरतों को तो नरक की तरफ धकेल रहा है, हाँ? पैसों के लिए। तो जैसा आदमी समाज में गंदगी फैलाता है, गंदगी। मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफी? और तुझे यहाँ भी नहीं और वहां भी नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।